हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल मोटर जोन पे, और मैं हूं आपका साथी संजीव स्वामी। तो दोस्तों, डार्क एडिशन ब्लैक कलर किसको पसंद नहीं है, सब इसके दीवाने होते हैं। तो दोस्तों, टाटा के अंदर जो सारी गाड़ियां हैं उसका जो डार्क एडिशन ऑलमोस्ट आता है। तो दोस्तों, आज हम टाटा नेक्सॉन डार्क एडिशन का फुल वॉकराउंड रिव्यू करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो गाड़ी है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मेरी फेवरेट गाड़ी है, वन ऑफ माई फेवरेट गाड़ी टाटा नेक्सॉन। और उसके अंदर जो डार्क एडिशन आता है, क्या कूल लगती है गाड़ी। तो आज मैं आपको उसकी पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। इसके अंदर देख लीजिए आप, जो है डार्क एडिशन खड़ा है, इधर भी जो डार्क एडिशन है, ये नेक्सॉन डार्क एडिशन है, वो डार्क एडिशन खड़ी है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसकी डार्क एडिशन के बारे में बताने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं फ्रंट से बात करूँ तो फ्रंट पूरा जो है इन्होंने ब्लैक कर दिया, थोड़े थोड़े जो है चेंजेस किए हैं, जो अलग रखा है ब्लैक से। तो इसके अंदर एक तो ये ब्लैक है, पूरा जो है आपको ब्लैक देखने को मिल जाएगा, पूरा बोनेट है। यहाँ पे भी जो ये ग्रिल है पूरी जो है ब्लैक कर दी। फ्रंट के अंदर जो सिर्फ टाटा का लोगो है जो क्रोम के अंदर दिया गया, इसके बाद में जो ये स्ट्रिप है ये ग्रे कर दिए, ताकि इसका थोड़ा सा अलग जो है लुक यहाँ पे देखने को मिल जाए। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे जो है आपको ये जो चीज़ है ये भी आपको ब्लैक मिल जाएगी, ये पूरा ब्लैक है। इसके बाद में इसका फ्लेट है वो थोड़ी सी ग्रे कलर में, वाइट से कलर में आ गई। यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा ब्लैक है, बट ये ब्लैक थोड़ा सा वो दूसरा वाला ब्लैक है, डल ब्लैक है। यहाँ पे पूरा पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है, पूरा इसका जो कलर है बहुत ही शानदार लगता है। इसका जो हेडलाइट यूनिट की बात की जाए तो इसके अंदर जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है प्रोजेक्टर हेडलैम्प यूनिट मिल जाती है लो बीम के लिए, और हाई बीम के लिए इसके अंदर जो है आपको नॉर्मल हेलोजन बल्ब मिल जाता है। और इसके अंदर फॉग लैंप के अंदर भी बात करूँ तो मैं यहाँ पे फॉग लैंप मिल जाता है, और फॉग लैंप के भी ये जो सराउंडिंग वाला कलर है, ये जो चीज़ है ये ब्लैक कलर के अंदर कर दी गई। वैसे जो नेक्सॉन आती है उसके अंदर ये जो है दूसरे कलर के अंदर आपको जो देखने को मिल जाती है, बट इसके अंदर जो ब्लैक कलर कर दिया गया। साइड में भी मैं बात करूँ तो साइड के अंदर भी आपको जो है टायर सबसे पहले आता है, टायर प्रोफाइल। अगर इसके टायर प्रोफाइल की बात करें तो टायर भी ये जो है ब्लैक कलर के अंदर कर दिए गए। इसके जो टायर रिम है ये भी जो है थोड़ी सी ग्रे सी कर दी गई है। और इसके अगर मैं टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो इसके अंदर जो 16 इंच के टायर आते हैं, जिसकी टायर प्रोफाइल है 215/60R16 जो है इसकी टायर प्रोफाइल देखने को मिल जाती है। और इसके सबसे बड़ा जो चीज़ है वो यहाँ पे देखने को मिलती है, हैशटैग डार्क है। यहाँ पे जो है बेजिंग आपको देखने को मिल जाती है, और इसका जो ब्लैक कलर है मैं एक बार पूरा पीछे से दिखा देता हूँ आपको, कुछ इस टाइप का इसका जो है डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर जो है ORBM आता था, ये जो है XG+ वेरिएंट है, सेकंड टॉप है, उससे नीचे वाला है। तो यहाँ पे भी पियानो ब्लैक फिनिश आता है, ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल है। यहाँ पे जो आपको ORBM के ऊपर ही आपको जो है टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा, और ये जो स्ट्रिप है ये भी थोड़ी सी ग्रे कलर में कर दी, ताकि ब्लैक का थोड़ा सा एक अलग हो, पूरा ब्लैक हो तो थोड़ा अजीब सा लगता है। और यहाँ पे ऊपर की जो ये जो है ये भी है, यहाँ पे आपको जो है ग्रे कलर में कर दी गई है। और यहाँ पे जो डोर हैंडल है वो पूरे ब्लैक कर दिए हैं ORBM के, और डोर हैंडल पे आपको जो रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस टाइप से ये डिज़ाइन है। फ्रंट के अंदर आपको जो है इसके अंदर डिस्क ब्रेक मिलते हैं, रियर के अंदर जो है आपको इसके अंदर ड्रम ब्रेक मिलते हैं। और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है काफ़ी अच्छी, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है 209 mm इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, जो सेगमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा आपको जो है देखने को मिल जाएगी। और अगर मैं इसके रियर प्रोफाइल से बात करूँ तो रियर का प्रोफाइल कुछ इस टाइप का रियर का प्रोफाइल है, आप देख सकते हो। ऊपर जो है आपको शॉक फिन एंटीना मिलता है, यहाँ पे स्पॉइलर इंटीग्रेटेड विद ब्रेक लाइट, और यहाँ पे जो आपको डिफोगर वोकल फॉर लोकल का लोगो, और रियर में आपको वाइपर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे भी इन्होंने क्या किया, ब्लैक कलर के साथ में जो ये स्ट्रिप है ये थोड़ा अलग चीज़ रंग कर दिया, ताकि ये थोड़ा सा अलग सा दिखे। पूरा ब्लैक ब्लैक हो जाता तो अजीब सा लगता। यहाँ पे जो है टाटा का लोगो, और यहाँ पे जो है ये आपको जो है रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है, और यहाँ पे जो है नेक्सॉन की बेजिंग मिलती है जो पूरी ब्लैक कलर के अंदर डार्क थीम के साथ आई है। अब रात के अंदर ये कैसे दिखेगी मुझे नहीं पता, बट ये पूरी थर्ड पता ही नहीं चलेगा रात के अंदर। और इसके अंदर ये जो टेल लैंप है वो पहले भी कूल लगती थी, ये कुछ इस टाइप का हिस्सा डिज़ाइन है, LED टेल लैंप आती है, नीचे आपको जो है रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, रिवर्स पार्किंग कैमरा, पीछे बैक सेंसर, और यहाँ पे जो है ये इसका प्लेट जो है देखने को मिल जाती है। इसके अंदर ये कुछ एक्स्ट्रा आप लगा सकते हो बाहर से, यहाँ पे ट्रायर और डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाएगा, और ये यहाँ पे बूट ओपनिंग के लिए रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिल जाएगा। और कुछ इस टाइप से इसके अंदर बूट है, जो लगभग 350 लीटर के आसपास इसका जो है बूट है। यहाँ पे जो है इसके अंदर पार्सल ट्रे आपको देखने को मिल जाएगी, और इसके अंदर जो है यहाँ पे पीछे आपको जो है एक चार्जिंग का वो मिलता है, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिलता है। तो ये आगे अगर बताने पाऊँ तो मैंने बता दिया, यहाँ से आपको जो पूरी कवरिंग आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको पकड़ने के लिए डोर हैंडल मिल जाएगा, और बूट के अंदर आपको जो है रात के लिए आपको ये मिल जाएगा लाइट, और यहाँ पे जो है टांगने के लिए कुछ हुक वगैरह को देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो है आपको एक्स्ट्रा वो मिलता है टायर प्रेशर वाला,
और इधर जो इसके अंदर मैं बात करूँ तो इसके अंदर जो है ये इसका स्पेयर व्हील है, जो इसका एक इंच छोटा जो स्पेयर व्हील आता है, नहीं सेम साइज़ का इसके अंदर स्पेयर व्हील होता है, बट इसकी प्रोफाइल है 195/65 R16 जो है इसकी प्रोफाइल हमें देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों कुछ इस टाइप से था इसका एक्सटीरियर, मैंने आपको दिखा दिया। तो दोस्तों इस टाइप से था टाटा नेक्सॉन डार्क एडिशन का पूरा एक्सटीरियर, ब्लैक कलर के अंदर बहुत ही शानदार और अल्टीमेट जो है नेक्सॉन लगती है। इधर से भी आपको दिखा देता हूँ, ये इधर भी एक जो है डार्क कलर के अंदर नेक्सॉन खड़ी है, ये रिवर्स से दिख रही है और इधर जो है ये फ्रंट से दिख रही है, आप देख लीजिए कुछ इस टाइप से लगती है। अब मैं हम लेके चलता हूँ आपको इसके इंटीरियर में और इंटीरियर पे दिखाता हूँ क्या क्या सीन है। तो चलिए चलते हैं हम गाड़ी के इंटीरियर में। इंटीरियर में जाने से पहले मैं आपको इसकी की दिखा देता हूँ, लॉक अनलॉक फॉलो मी हेडलैम्प और बूट ऑपरेटिंग का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको जो रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और अगर इसके इंटीरियर की बात की जाए तो ये भी पूरा डोर है वो डार्क कर दिया गया, पूरा डार्क कर दिया है। यहाँ पे जो है थोड़ा सा डार्क दूसरा है, यहाँ पे जो है इसमें सॉफ्ट प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, सॉफ्ट जो लेदराइज है। इधर जो है पियानो ब्लैक फिनिश है और इधर जो है आपको पावर विंडो के ऑप्शन मिल जाते हैं। ये डोर लॉक अनलॉक का ऑप्शन है, ये भी जो है आपको पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर डार्क कर दिया गया है। यहाँ पे जो है इधर अम्ब्रेला होल्डर के लिए जगह मिल जाती है, इधर बोतल होल्डर के लिए जगह, ये यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाता है। ये जो है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल का आपको ऑप्शन मिल जाता है। और कुछ इस टाइप से इसका जो है पूरा अंदर का इंटीरियर है। इंटीरियर यहाँ पे जो है आपको हाइट एडजस्टेबल का आपको सीट ऑप्शन मिल जाती है और सीट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये देखिए। और ये जो है इसकी सीट है पूरी डार्क कलर के अंदर इसकी सीट दी गई है, पूरा ब्लैक लेदराइज फिनिश की सीट है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो है इसके अंदर हैशटैग डार्क लिखा हुआ है, ये कवरिंग है उतारूंगा नहीं मैं, नेक्सॉन लेदर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके अंदर जो हैशटैग डार्क यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस टाइप से इसके अंदर का इंटीरियर है, अभी मैं अंदर चल के आपको दिखाता हूँ। दोस्तों अब मैं आ गया हूँ गाड़ी के इंटीरियर में और सबसे पहले जो हमारी नज़र जाती है वो जाती है स्टेयरिंग पे। स्टेयरिंग के ऊपर कवर लगा है, इसको छोड़ दो आप, जो नीचे ये स्टेयरिंग है लेदर है, स्टेयरिंग है कवर, ये डिलीवरी किसी की होनी है, पता नहीं ये कवर क्यों लगा है, इतना शानदार स्टेयरिंग था। और ये पूरा पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर स्टेयरिंग कर दिया, डी कट जो वाला जो आपको स्टेयरिंग मिल जाता है। इधर जो है आपको इसके अंदर जो है म्यूजिक सिस्टम के ऑप्शन मिल जाते हैं। इधर जो आपको टॉप मॉडल के अंदर क्रूज कंट्रोल के ऑप्शन मिलते हैं, इसके अंदर जो है क्रूज कंट्रोल के ऑप्शन नहीं मिलते। ये XG प्लस मॉडल है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए XG प्लस जो है ये वेरिएंट है डार्क एडिशन, तो इसके अंदर जो है क्रूज कंट्रोल के ऑप्शन नहीं मिलता। बाकी इसके अंदर जो है हरमन गार्डन का म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है और ये पूरा डार्क कर दिया भाई साहब, क्या कातिल गाड़ी लगती है। बट एक चीज़ इनकी मैं बताऊंगा, डार्क एडिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मुझे थोड़ा सा इस पर डाउट ऐसे रहता है कि जैसे जिसको कहीं पे भी अंदर जो ये घुटन सी महसूस होती है ना, उनके लिए डार्क एडिशन थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं होता। इस चीज़ को देख लेना एक बार, क्योंकि कई घरों में क्या होता है कई बार लेडीज़ को जो है वो मीटिंग वगैरह होती है तो उनके लिए ये जो डार्क कलर है बहुत छोटा लगेगा। गाड़ी पूरी खुली है, आपको देखने को ऐसा लगेगा कि गाड़ी बहुत बड़ी है, बट पूरा डार्क होने से इसकी छत वगैरह सारी डार्क है, तो उससे क्या होता है कि इसके अंदर वोमिटिंग वगैरह और ज़्यादा घुटन सी होने लग जाएगी। अभी हम बात करते हैं, यहाँ पे जो है नेक्सॉन की बेजिंग आपको देखने को मिल जाएगी, हरमन का म्यूजिक सिस्टम देखने को मिल जाएगा, ये जो पूरा पैनल है ये डार्क कलर के अंदर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे जो है आप फ़ोन वगैरह रखने के लिए आपको जो है जगह मिल जाएगी, आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट आपको देखने को मिल जाएगा, इधर जो USB पोर्ट मिल जाएगा, इधर जो है ऑक्स का ऑप्शन आप इनेबल कर सकते हो और इसके अंदर वायरलेस की जो है चार्जिंग का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये कुछ डिज़ाइन सा दिया हुआ है वायरलेस का, मुझे नहीं पता क्या चीज़ का है, और ये कुछ इस टाइप से डिज़ाइन है और यहाँ पे पूरा डार्क है। और इधर भी मैं बात करूँ तो आपको इधर देखो ये वैनिटी मिरर है, ये भी डार्क दिया गया है। ये डोर हैंडल ये जो है ग्रेब हैंडल, ये भी आपको जो पूरा डार्क दिए गए हैं। इधर जो है ये माइक है, ये भी पूरा डार्क दे दिया, बटन सब डार्क दे दिया। ये IRBM में ये तो डार्क आता ही है। और रूफ भी आपको जो डार्क देखने को मिल जाएगी, आपको देख रहे होंगे पूरी डार्क है। इससे गाड़ी थोड़ी सी अंदर से छोटी सी महसूस होती है, मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, सबका ओपिनियन अलग अलग होता है। ये और इसके अंदर जो है ये कुछ एयर ग्लोव्स का कुछ इनका प्योरीफायर पड़ा है। इधर जो है आपको ये मोड्स मिल जाते हैं, ड्राइविंग मोड्स, ये जो है 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन है। और इधर जो है आपको इसके अंदर जो है ये मिल जाता है आर्म रेस्ट मिल जाता है, जिसको आप जो ऐसे कर सकते हो। अब यहाँ पे जो रखने के लिए कुछ सामान वगैरह रखने के लिए, वॉलेट वगैरह रखने के लिए जगह मिल जाती है, ज़्यादा यूज़ में नहीं होती है ये जगह, बट ठीक है। और इधर जो है आपको ब्रेक मिल जाता है, सीटें इसकी ऑलरेडी कंफर्ट थी, कोई डाउट था ही नहीं, काफ़ी अच्छी जो है इसकी थी। इसके अंदर जो है इसके अंदर जो है कूल्ड ग्लो बॉक्स इसके अंदर मिल जाता है, काफ़ी बड़ा ग्लो बॉक्स है अंदर, तो आपको जो है इसके अंदर मैं दिखा देता हूँ एक बार, ये देखिए कुछ इस टाइप का इसके अंदर जो है ग्लो बॉक्स मिलता है, जिसके अंदर दो ट्रे हैं, एक ये
ये वाली ट्रे इसके अंदर है, एक ये वाला ऑप्शन इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये था इसका डार्क एडिशन का। अभी मैं इसको गाड़ी को स्टार्ट इग्निशन ऑन करके जो है आपको इसका दिखा देता हूँ। देखिए ये है कुछ इस टाइप से जो इसका इंस्ट्रूमेंट पैनल आता है, जिसके अंदर आपको जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाती है। और इधर जो है आपको इसके अंदर स्पीड वगैरह देखने को मिल जाता है, इधर जो आपको डिटेल वगैरह देखने को मिल जाती है, इधर जो आपका आरपीएम मीटर होता है, इधर स्पीडोमीटर होता है, इधर फ्यूल वाला जो ऑप्शन है वो होता है, और बाकी इसके अंदर इन्फॉर्मेशन कितने किलोमीटर चली हुई है, ये यहाँ से एवरेज वगैरह क्या दे रही है, ट्रिप वगैरह सेट आप जो है कर सकते हो। इसके बाद में आता है इधर ये ऑप्शन आता है, इसके अंदर अगर हम जाएंगे तो 7 इंच का म्यूज़िक सिस्टम आता है, जो टाटा का स्टैंडर्ड जो है आपको इसके अंदर जो है वो मिल जाता है। इसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो कारप्ले वगैरह का ऑप्शन आपको मिलता ही मिलता है। और इसके अंदर देखिए एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल वाट्स 3 वर्ड, जो एग्जैक्ट लोकेशन वगैरह बताता है, यूएसबी ऑडियो सेटअप, कॉन्टैक्ट ड्राइव, नेक्स्ट डोडल फॉर्मेट, और पार्क असिस्ट का भी आपको जो है ऑप्शन इसके अंदर देखने को मिल जाता है। कैमरे की क्वालिटी ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं है। ये इसके अंदर फोन सेटअप वगैरह मिल जाता है, सेटिंग डेमो मिल जाता है। और अगर मैं इसके रिवर्स गियर डालता हूँ तो कुछ इस टाइप का जो कैमरे की क्वालिटी आपको मैंने बताई दी। तो दोस्तों ये था पूरा डार्क एडिशन का इंटीरियर, मैंने आपको फ्रंट से दिखा दिया, मैं आपको इसका रियर भी दिखा देता हूँ एक बार। चलिए चलते हैं हम रियर के ऊपर और वहाँ पे क्या सीन है वो दिखा देता हूँ मैं। दोस्तों पीछे का अगर मैं बात करूँ तो पीछे भी आपको जो सेम डार्क एडिशन पूरा डोर जो डार्क के अंदर दिया गया, यहाँ पे सॉफ्ट मटेरियल यूज़ किया गया है, इधर ये दिया गया है। और पीछे जो है आपको रियर ऐसी वेंट्स मिल जाता है, यहाँ पे जो है आपको कुछ भी सॉकेट वगैरह नहीं मिलता है, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मैंने आपको दिखा दिया था, पीछे मिलता है यहाँ पे ये है। और पूरी सीट्स वगैरह पूरा सब कुछ डार्क मिलता है, यहाँ पे जो दो ये एडजस्टेबल ये मिल जाते हैं और इधर ये मिल जाता है। तो दोस्तों अगर मैं टाटा नेक्सोन के इंजन की बात करूँ तो सारे वेरिएंट में, चाहे वो डार्क एडिशन हो, चाहे काजीरंगा एडिशन हो, चाहे नॉर्मल नेक्सोन हो, उसके अंदर सबके अंदर जो है सेम ही इंजन ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। इसका जो पेट्रोल इंजन आता है वो आता है 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन आता है, जो 118 bhp की पावर और 170 nm का जो है टॉर्क जनरेट करता है, जिसकी जो कंपनी माइलेज क्लेम करती है वो है 17 kmpl की माइलेज क्लेम की जाती है। और दोस्तों इसका जो डीजल इंजन आता है वो आता है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर इंजन आता है, जो 108 bhp की पावर और 260 nm का टॉर्क जनरेट करता है। और दोस्तों इसकी जो माइलेज कंपनी क्लेम करती है वो है दोस्तों 22.4 kmpl की। दोस्तों ये था इसका इंजन, पूरा अलाइनमेंट वगैरह आपको मैंने दिखा दिया, और ये यहाँ से जो है इसके अंदर काफ़ी अच्छे से जो है कवरेज की हुई है, आप देख सकते हो। दोस्तों इसका जो बोनेट है वो काफ़ी हेवी है, काफ़ी साउंड करता है, देखिए। तो दोस्तों ये था टाटा नेक्सोन डार्क एडिशन का फुल वॉक अराउंड रिव्यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको टाटा की कोई भी गाड़ी लेनी है, चाहे हैरियर हो, चाहे पंच हो, चाहे टिगोर हो, चाहे टियागो, चाहे CNG के अंदर टिगोर या टियागो, चाहे सफारी हो, कोई भी डार्क एडिशन वगैरह लेना है, तो आप जो है यहाँ पे जयपुर के अंदर टाटा का शोरूम है, जिनके कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जो कॉल कर सकते हो। इनके पास गाड़ियाँ अवेलेबल रहती है और काफ़ी टाइम में आपको जल्दी से जल्दी जो है ये गाड़ियाँ प्रोवाइड करा देते हैं, और डिस्काउंट वगैरह भी आपको ठीक ठाक मिल जाता है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट वीडियो, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।